हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सो एजुकेशनल जी के हम डिस्कस करेंगे सो so, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ईएमआरएस e के एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग ईएमआरएस e के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो ठीक है नॉन टीचिंग एग्जाम में भी दे रखा है ये टॉपिक सो so, ये टॉपिक इक्वली सभी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि ई एम आर का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं सो बेसिकली ये वीडियो का पार्ट फाइव है इससे पहले मैं चार पार्ट्स और ला चुकी हूँ अगर आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा या गलती से मिस कर दिया सो so मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है आपको पाँचों पार्ट्स इसको मिला के उस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे सो so, उस प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है सो so, वहाँ से आप देख सकते हैं मोर ओवर बहुत चीज़ों की प्ले लिस्ट आपके सिलेबस से रिलेटेड एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी एजुकेशन करंट अफेयर्स से रिलेटेड जनरल इंग्लिश की एक सीरीज चल रही है सो so, बेसिकली इन सभी प्ले लिस्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो so, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वे, जल्दी से हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये इन दी एनसीए टू थाउजेंड फाइव अंडर the रिफॉर्म्स examination ऑफ़ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैज़ बीन सजेस्टेड been suggested? NCF 2005 के अकॉर्डिंग कुछ एग्जामिनेशन में चेंजेस लाए गए थे ठीक है अब हमें बताना है कौन से चेंजेस लाए गए थे NCF 2005 में किसके अंडर एग्जाम में परीक्षा में सो so, चार options है ओपन बुक एग्जाम्स continuous एंड comprehensive evaluation. ग्रुप वर्क इवेल्यूएशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव सो हिंदी में भी मैंने लिखा है आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसका ट्रांसलेशन सो so, जो एन में चेंजेस लाए गए थे एग्जाम्स में वो सारे ही ऑप्शन है ओपन बुक एग्जाम्स इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना पूछ सकते हैं कि ओपन बुक एग्जाम्स किसके अंडर आए थे सो अकॉर्डिंग टू एन सी एफ टू के बारे में सुना होगा जिसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूएस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूएशन ये भी एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव के अंडर ही आए हैं ग्रुप वर्क इवेल्यूएशन भी ठीक है पीयर इवेल्युएशन भी हम इसे बोलते हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दबव नेक्स्ट क्वेश्चन द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव इज द क्रिएशन ऑफ एन के अंदर बात की गई है इंग्लिश की टीचिंग की कि बच्चों को इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए अब उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी है कि इंग्लिश क्यों सिखाए बच्चों को चार ऑप्शनस है बाई लिंग्विज मल्टीलिंग्वलिज्म लिंग्वलिज्म मतलब कि बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आए मल्टी मतलब बहुत सारी भाषाएं आए अपनी मदर टंग भी आए हिंदी भी आए और इंग्लिश भी आए ठीक है मल्टीलिंग्वलिज्म मतलब दो से अधिक भाषाएं सिर्फ उन्हें इंग्लिश ही आए इंग्लिश इसलिए पढ़ाई जाती है कि बच्चों को सिर्फ इंग्लिश आए या फिर इनमें से कोई भी नहीं सो so, जो लोग कंफ्यूज होंगे या तो वो फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन में होंगे कि बच्चों को हिंदी इंग्लिश आए या फिर मल्टी बनाने के लिए सो so, एन 2005 में ये लिखा गया है इंग्लिश भाषा स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए क्यों क्योंकि बच्चों को मल्टी पे फोकस किया गया तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एनसीएफ किस पे फोकस करता है बायलिंग्वुलिज्म पे सिर्फ हिंदी पे फिर सिर्फ इंग्लिश पे या फिर मल्टीलिंग्वलिज्म पे ठीक है बहुभाषावाद इसको हिंदी में बोलेंगे सो so, जो इस क्वेश्चन कर, का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सो बेसिकली मदर टंग आनी चाहिए बच्चों को हिंदी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन एन सी एफ़ टू थाउजेंड फ़ाइव टॉक्स ऑफ मेजर शिफ्ट फ्रॉम एन सी एफ दो हज़ार पाँच प्रमुख बदलावों की बात करता है सो बेसिकली एन सी एफ जो दो हज़ार पाँच है इसमें बहुत सारे बदलाव देखे गए थे जो इससे पहले एडुकेशन पॉलिसी थी ठीक है सो so ये जो एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव आया था इसमें पढ़ाई में काफ़ी बदलाव देखे गए थे तो ये कौन से बदलावों की बात करता है वही हमें बताना है चार ऑप्शन है और इम्पॉटेंट क्वेश्चन है ये सो फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशनल फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस मतलब शैक्षिक फोकस से अनुशासनात्मक फोकस सेकेंड ऑप्शन नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व एंड इज क्रिएटेड सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि नॉलेज बच्चे को सिर्फ देनी चाहिए या फिर नॉलेज बच्चों को खुद क्रिएट करनी चाहिए ठीक है इसका ये मतलब है कि जो टीचर है उसको जो पता है ठीक है वो बस उसको बच्चों को बता दे नॉलेज इसे कहेंगे या नॉलेज बच्चा खुद क्रिएट करे खुद करके सीखे वो वाली नॉलेज के बारे में बात की गई है सी ऑप्शन है लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक मतलब कि लर्नर सेंट्रिक क्या होती है कि मेन बच्चों पे फोकस होना चाहिए और टीचर सेंट्रिक मतलब कि पूरा कंट्रोल टीचर के पास ही है ठीक है बच्चों के पास कोई कंट्रोल नहीं है टीचर अपनी मर्जी से क्लास चला रहा है खुद ही बेसिकली लेक्चर मेथड वो फॉलो कर रहा है ये होता है टीचर सेंट्रिक सो अब तो सीधा स्टूडेंट सेंट्रिक पे बात करते हैं सो इसमें बोला गया है, थर्ड ऑप्शन में कि स्टूडेंट से टीचर सेंट्रिक सो ये गलत है जल्दबाजी में इसे मत करेक्ट कर देना एन ने बात करी है टीचर से स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए आज से बहुत साल पहले ना टीचर सेंट्रिक क्लासेस होती थी मतलब पूरा कंट्रोल टीचर के पास रहता था क्लास में अब स्टूडेंट सेंट्रिक है यहाँ पे बच्चों की भी चीज़ों ओपिनियंस को सुना जाता है ठीक है सो ये ऑप्शन जल्दबाजी में मत कराना ध्यान से पढ़ना लर्नर सेंट्रिक टू टीचर नहीं है टीचर टू लर्नर है ठीक है सो so, जो यहाँ और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन कि जो नॉलेज है वो सिर्फ देने से नहीं बच्चों को समझ में आती है कि टीचर ने समझा दिया बच्चों को समझ में आ गया एन कहता है कि बच्चों को अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करनी चाहिए सो so, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट इन द टीचिंग प्रोसेस द चिल्ड्रन इज जो टीचिंग का प्रोसेस है उसमें बच्चे क्या हैं डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल या फिर इनमें से कोई भी नहीं सो बेसिकली एन ने कुछ तीन वेरिएबल्स की बात करी है और वो उन्हीं के नाम दे रखे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट या फिर इंटर वीनिंग वेरिएबल डिपेंडेंट मतलब कि जो बच्चा है बिल्कुल टीचर पे ही डिपेंडेंट है जो टीचर ने सिखा दिया बस बच्चा वही सीखेगा ठीक है पूरा कंट्रोल टीचर पर बिल्कुल टीचर पे ही डिपेंडेंट है नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट कि बच्चे के पास बिल्कुल आज़ादी है टीचर का कोई रोल ही नहीं है ठीक है बच्चा जो चाहता है वो खुद से ही करके सीखेगा टीचर का कोई रोल ही नहीं है क्लास में सो so, बच्चा इंडिपेंडेंट भी नहीं है टीचर का रोल डेफिनेटली होता है क्लास में सी है इंटरवीनिंग वेरिएबल मतलब मध्यस्थ चार मध्यस्थ चार सो इंटरवीनिंग वेरिएबल ही होता है टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है इसमें टीचर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट होती है ठीक है ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ टीचर के पास भी पूरा कंट्रोल नहीं है सिर्फ बच्चे के पास भी पूरा कंट्रोल नहीं है दोनों की ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होती है और ऐसी ही टीचिंग सबसे बेस्ट होती है और एन ने स्टूडेंट सेंट्रिक की बात करी है फैसिलिटेटर की बात करी है मतलब जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर है सो ये वर्ड ज़रूर याद रखना फैसिलिटेटर टीचर क्या है एन के अकॉर्डिंग ये एक फैसिलिटेटर है मतलब जो बच्चों की हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सो so, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन इंटरवीनिंग वेरिएबल और इन तीनों वेरिएबल्स के नाम याद रखना क्योंकि अलग से भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देर इन टीचिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एनसीएफ तो आपको पता होना चाहिए देर आर थ्री वेरिएबल्स नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू थाउजेंड फाइव हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस अंडर दी हैडिंग क्वालिटी डायमेंशन बेसिकली मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव में एक हेडिंग है जिसका हेडिंग का नाम है क्वालिटी डायमेंशन तो इस क्वेश्चन में पूछा है ये जो क्वालिटी डायमेंशन है इस हेडिंग के नीचे लिखा किया गया है सो so, चार ऑप्शन हमें बताना है सो एन सी एफ में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है एन सी एफ में और जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम हेडिंग देते हैं सब हेडिंग देते हैं फिर उसको नीचे एक्सप्लेन करते हैं राइट तो ऐसे ही एक हेडिंग है एन के जो भी बहुत बड़ा सा जो उनका प्रॉस्पेक्टेस्क कह लो या पूरा जो पी है एन सी एफ का उसमें बहुत बड़ा है वो जैसे कि एन ई पी का भी है काफ़ी पेजेस का सो उसके अंदर एक हेडिंग है क्वालिटी डायमेंशन तो उसके अंदर क्या बात हो रही है क्वालिटी डायमेंशन के अंदर चार ऑप्शंस है मटेरियल रिसोर्सेज की बात हो रही है एजुकेटड और इंस्पायर्ड अच्छे जो एजुकेटेड टीचर्स की बात हो रही है थर्ड ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस इन द कंटेक्सट ऑफ नॉलेज फॉर चिल्ड्रन मतलब कि जो स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस इन द कंटेक्सट नॉलेज फॉर चिल्ड्रन मतलब कि जो बच्चों की नॉलेज है वो थ्रू एक्सपीरियंसेस कैसे बढ़ेगी इसके अंदर ये बात हो रही है या फिर फोर्थ ऑप्शन स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस एंड करिकुलम इम्प्रूवमेंट फॉर चिल्ड्रन जो जो एक्सपीरियंस है बच्चों के ठीक है और वो करिकुलर्स करिकुलम से हम कैसे उनको रिलेट कर सकते हैं करिकुलम से सो दैट कि एजुकेशन इम्प्रूव हो बच्चों की बेसिकली करिकुलम इम्प्रूव होए सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन थ्री और फोर्थ में हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना क्वालिटी डायमेंशन के अंदर बात की गई है कि जो प्रैक्टिकल लर्निंग है जो लर्निंग बाय डूइंग है ठीक है लर्निंग बाय डूइंग को कैसे हम अपने करिकुलम से जोड़े हर टॉपिक से हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जोड़ें कि बच्चा खुद करके सीख सके क्योंकि हमने पहले से पहले बहुत सी वीडियोस में देखा है कि एनसीएफ का जो मेन फोकस है वो लर्निंग बाय डूइंग पे है ना कि रॉट लर्निंग पे नेक्स्ट क्वेश्चन which ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स हैव बीन सजेस्टेड इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? थाउजेंड फाइव राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 हजार में निम्नलिखित में से कौन किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है सो so बेसिकली हमें बताना है चार ऑप्शंस दिए हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन से रिफॉर्म मतलब होता है चेंजेस सो एग्जाम में परीक्षा में कौन से चेंजेस की बात की गई है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ सी ई इन एनसीएफ ठीक है चार ऑप्शंस है क्लास टेन एग्जाम इज ऑप्शनल जो दसवीं क्लास के एग्जाम है उसे ऑप्शनल किया गया हुआ है ऐसा तो नहीं है सभी को ही कंपल्शन है कि देना है नेक्स्ट कंडक्टिंग स्टेट लेवल एग्जामिनेशन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एडुकेशन थर्ड कंपेटिटिव एंट्रेंस एग्जाम इलेक्टिव्स या फिर ऑल ऑफ दी सभी इन सभी के बारे में बात की गई है सो so बेसिकली जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू कंडक्टिंग स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एडुकेशन विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मोर ओवर जो लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं सो व्हाट्सएप पे भी एकदम न्यू फीचर आया है एकदम टेलीग्राम की तरह ही सो so, आप व्हाट्सएप का भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे मैं अपनी सारी पीडीएफ्स डी डालूँगी सो आपको पुरानी पीडीएफ्स भी व्हाट्सएप के ग्रुप में तो पुरानी पीडीएफ्स नहीं मिलती अगर आपने ग्रुप नए बंदे ने ज्वाइन किया उसको पुरानी Uh, जो ऊपर का डेटा है वो आप नहीं देख सकते बट आप चैनल में देख सकते हो टेलीग्राम पे भी अगर आप न्यू ज्वाइन करोगे तो आपको पहले का डेटा भी मिलेगा और व्हाट्सएप में भी न्यू फीचर है सो so, दोनों के लिंक्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं तो आप वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते आपको पी मिल जाएगी सारी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू थाउजेंड फाइव सो बेसिकली एन सी एफ दो हज़ार पाँच के अंदर फाइव मेन या बेसिक प्रिंसिपल्स है जिनके बारे में एन सी एफ में बात की जाती है तो हमें चार ऑप्शन दिए हैं हमें बताना है ऐसा इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है जो कि एन सी एफ के अंडर नहीं है सो so, चार ऑप्शन से है, देखते हैं कंडक्ट गुड एक्सटर्नल एग्जाम्स बी नॉट गिविंग इम्पॉर्टेंस टू रॉट लर्निंग थ्री नॉलेज बियॉन्ड बुक या फिर फोर लिंकिंग नॉलेज टू रियल लाइफ सो बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्ट गुड एक्सटर्नल एग्जाम्स ये एक भी प्रिंसिपल नहीं है वेयर एज रॉट लर्निंग मतलब कि रटने जिसे हम रटना कहते हैं ना उसे इंग्लिश में हम रॉट लर्निंग कहते हैं सो so, बिल्कुल ये रॉट लर्निंग को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता नॉलेज बी बुक मतलब बुक से हट ऐसी नॉलेज भी दी जाए मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जो फोर्थ ऑप्शन है लिंकिंग नॉलेज टू रियल लाइफ जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ से रिलेट करके दी जाए तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझेगा सो so, तीनों बेसिक प्रिंसिपल्स है जो फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्ट गुड एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं है सो so, यहाँ पे फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है सो so बेसिकली ये पांच प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में भी मैं ऊपर बात कर रही थी कि एन 2005 के अंदर बेसिकली मेन फाइव प्रिंसिपल्स पे ये फोकस करता है जल्दी से देख लेते हैं फर्स्ट कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम मैंने बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ एग्ज़ैम्पल्स के थ्रू समझाई जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी सेकेंड इंश्योरिंग डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेज रादर देन रॉड लर्निंग मैथड्स मतलब बच्चों को सिर्फ रटवाया ना जाए बल्कि टीचर को और मैथड्स भी ढूँढने चाहिए रटवाने के अलावा ठीक है तो प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेसिकली फोकस की है कि बच्चा खुद करके सीखे क्रिएट करे थर्ड इन्हांसिंग द करिकुलम टू ऑफर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसिस बी ऑन टेक्सट बुक्स बच्चे को सिर्फ इतना ही ना पढ़ाया जाए जो कि किताबों में लिखा गया है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाए फोर्थ इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन एंड इंटीग्रेटिंग दैम विथ क्लास स्कूल लाइफ सो जो एग्जामिनेशन को और फ्लेक्सिबल बनाया गया है इसके लिए इन्होंने फॉर्मेटिव सबमेटिव जो है सो इन्होंने बेसिकली फॉर्मेटिव एग्जाम फॉर्मेटिव एग्जाम्स को बढ़ावा दिया था ठीक है जिसके अंदर बहुत सारे क्विज ली जाए मतलब बेसिकली कॉपी पेन टेस्ट ही नहीं बल्कि और भी चीज़ों के थ्रू हम बच्चे की नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं फिफ्थ इन्हांसिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इनफॉर्म बाय कंसर्नस विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री मतलब बेसिकली जो बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए अपनी कंट्री के बारे में सो so एजुकेशन ऐसी भी देनी जानी चाहिए बच्चों को कि उनकी जो पॉलिटी है पॉलिटी इज रिलेटेड टू एयर डेमोक्रेटिक अपनी कंट्री के बारे में बच्चों को पता चले सो दैट दे कैन बी गुड सिटीजन्स वो अच्छे सिटीजन्स बन सके उनको अपने बेसिक राइट्स के बारे में पता चल सके सो so बच्चे को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए सो so जो लास्ट है चार पॉइंट्स तो ऊपर के काफ़ी सिंपल है सो फिफ्थ पॉइंट ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल है ये भी एक पांचों में से एक मेन प्रिंसिपल है तो इसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि उन्हें गुड सिटीज़न बनाए उनको उनके बेसिक राइट्स के बारे में नॉलेज दे उनको उनकी कंट्री के बारे में बताया जाए कि वो उसकी रिस्पेक्ट करें ठीक है और वीडियो अगर पसंद आ रही है जल्दी से इसे लाइक कर देना मोर ओवर टूवर्ड्स दी एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं द नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू थाउजेंड फाइव रिकमेंड्स दैट द एम्फोसिस शुड बी ऑन साइंस एडुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल सो एन सी एफ दो हज़ार पाँच के अकॉर्डिंग जो साइंस एजुकेशन है अपर प्राइमरी लेवल ठीक है मतलब सिक्स सेवेंथ एट्थ की जो साइंस है वो किस पर एम्फोसाइज करती है चार ऑप्शन दिए हैं हेल्पिंग लर्नर्स टू कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग विद द वर्ल्ड आउटसाइड द स्कूल ऐसी साइंस एजुकेशन दी जाए कि जो बच्चा अपनी लर्निंग है वो उसको कनेक्ट कर सके ठीक है ये नहीं कि सिर्फ जो पढ़ रहा है उतने ही उसको नॉलेज मिल सके वो जो साइंस में जो चीज़ें पढ़ रहा है वो क्लास के बाहर कनेक्ट कर सके नेक्स्ट टू हेल्प लर्नर्स टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन लर्निंग साइंस इतना बच्चे को साइंस में स्ट्रॉन्ग कर दो कि जैसे बाहर पढ़ाया जा रहा है उस लेवल तक का ठीक है तो हमारे ऐसे हम किसी और कंट्री के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ा दे नहीं हम बच्चों को चलो नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं मिनिमाइज सोशल इनक्वालिटीज अमंग लर्नर्स सो जो बच बच्चे को साइंस इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे भेदभाव सोशल इनक्वालिटीज मतलब कि जो हम सोशली जो भेदभाव करते हैं किसी भी तरीके से कास्ट के अंदर हो गया रंग में रेस की वजह से फाइनेंस फाइनेंस की वजह से ठीक है कि कोई गरीब है कोई अमीर है सो so बेसिकली इसका साइंस में तो कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज़ को दूर करने के लिए तो हम बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं सो so ये तो ऑप्शन नहीं होगा फोर्थ टू प्रमोट नॉलेज बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज़ टू इस्टेब्लिश पीसफुल सोसाइटी बच्चों को साइंस इस तरीके की पढ़ाते हैं हम कि बच्चे की ह्यूमन वैल्यूज़ बढ़े अगैन हम ह्यूमन बॉडी के बारे में ज़रूर बात करते हैं साइंस में बट हम साइंस में ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में तो बात नहीं करते है ना सो so बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है बच्चों को साइंस इस तरीके से पढ़ाई जाए और इसलिए पढ़ाई जाए कि बच्चा अपनी नॉलेज को बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट कर सके ठीक है द करंट एन सी आर टी टेक्सट बुक फॉर मैथमेटिक्स हैज़ बीन रिटर्न कीपिंग इन माइंड द रिकमेंडेशन्स ऑफ जो मैथ्स की बुक है एन सी आर टी की वो किसकी रिकमेंडेशंस पे बनी है मतलब कि कहीं लिखा होता है कि बुक्स ऐसी होनी चाहिए बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए या ये ये चीज़ें हमें नहीं इंक्लूड करनी चाहिए सो so बेसिकली हमें चार ऑप्शन दिए हैं हमें बताना है किन चारों में से किसकी रिकमेंडेशन मान के एन ने बुक्स बनाई हैं मैथ्स की बच्चों की तो so, चार ऑप्शन देखते हैं एन मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 करिकुलम ऑफर्ड बाय सी बी एस सी इन टू थाउजेंड सिक्स कोर्स ऑफर्ड बाई द स्टेट बोर्ड इन 2006 सो बेसिकली मैथ्स ही नहीं मोस्टली जो सारी बुक्स हैं एन की वो जो भी एन में रिकमेंडेशनस दी हैं उसके द्वारा बनाई गई so, है सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मैथ्स का पूछे कोई और सब्जेक्ट भी पूछ सकता है सो so, एन ही मार्क कर कर आना है एन 2005 की रिकमेंडेशंस पे एन ने बुक्स बना रखी है ठीक है जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है कि सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बच्चा रटे बट ऐसी एक्टिविटीज़ भी दी जाती है कि जिसमें बच्चा खुद करके सीखे नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स टू डील विद इशूज रिलेटेड टू टीचर्स एट स्कूल लेवल वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर जो नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स है सो so बेसिकली हमें बताना है कि गवर्नमेंट ने कब इसको सेट किया था इस कमीशन को 1981 में 1982 में 1983 में या फिर 1984 में सो so जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री दैट इज़ 1983 सो so 1983 में नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स को सेट किया गया था क्यों कि वो टीचर्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसे सॉल्व कर पाए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एजुकेशनल जीके की सो so उसमें काफ़ी वीडियोस हैं और ये भी मैं वीडियोस प्ले में प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी सो so, अगर आपने पहले की कोई वीडियो मिस कर दी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मोर ओवर एन ई का भी ऐसे अलग से प्ले है एडुकेशन करंट अफेयर्स का भी अलग से प्ले है सो so, इन सभी की प्ले मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने कोई इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो नेक्स्ट क्वेश्चन एम ऑफ एन सी टी ई एस एन सी टी ई का क्या एम है हमें वो बताना है सो एन सी टी ई क्या है नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन ठीक है टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेकेंड टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन थ्री टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस और एजुकेशन या फिर फोर्थ टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एन सी टी एन सी एफ के बारे में सबको पता होता है बट ज़्यादातर लोगों को एन सी टी ई के बारे में नहीं पता होता सो बेसिकली एन सी टी ई का मेन एम क्या है टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज और एजुकेशन की जो कॉलेज और एजुकेशन का स्टैंडर्ड है क्वालिटी है वो बनी रहे इम्प्रूव हो बल्कि ठीक है सो so, इसलिए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री सो आज की वीडियो में बस इतना ही था आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा फीडबैक दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो हैव अ गुड गुड डे